नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। नमस्कार, मैं रवीना MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइन पर। दोस्त ने दोस्त को जिंदा जलाया, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है युवक। हुक्का संचालक को दाग दी दनादन गोलियां, चंद मिनटों में ही पकड़ गए तीन चपट मार युवक से, छीन कर भागे थे मोबाइल और कैश। अब खबरें विस्तार से। जिंदगी की जंग लड़ रहा है युवक। नई दिल्ली गाजियाबाद हंसी मजाक में हुई विवाद के बाद दोस्तों ने अपने ही दोस्त को जिंदा जलाने की कोशिश की है। मामला बेहद सनसनी है। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौके से फरार आरोपी, फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। उक्काबार संचालक को सरेहार मारी दनादन गोलियां, इलाके में फैली सनसनी। यह वारदात नई दिल्ली के रोहिणी इलाके की दर्शाई जाती है। शुक्रवार शाम हुक्काबार संचालक की सरेहार दनादन गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम अनिल उर्फ बंटू के रूप में हुई है। पुलिस को अंदेशा है कि वारदात के पीछे गैंगवर या पुरानी रंजिश हो सकती है। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना स्थल से फुटेज की भी जांच की गई, जहां चंद मिनटों में ही पकड़े गए तीन झपटमार युवक से छीन कर भागे थे मोबाइल और कैश। यह वारदात नई दिल्ली आजादपुर इलाके में एक युवक से झपटमारी कर फरार हुए तीन बदमाशों को चंद मिनटों में PCR की टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। आरोपियों के पास से झपट गए रुपए और पीड़ित का मोबाइल फोन बरामद किया गया। PCR के पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए इस बेहतरीन कार्य की DCP ने सराहना की है। आरोपियों को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।